हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज 0 to infinity। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रल कैलकुलस में दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है डिफरेंशिएशन और दूसरा पार्ट होता है इंटीग्रेशन। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन पढ़ा होगा कि जो फंक्शन हमारे पास गिवेन है उसका डिफरेंशिएशन करने का क्या मेथड है। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है गिवेन तो उसका हम इंटीग्रल इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में है क्या। तो सपोज अगर हमें निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, राइट, तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स हमें अगर हमें निकालना है तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है कॉस एक्स, जैसा कि आप लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलेशन में पढ़ा होगा, राइट। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, राइट। और अगर हम किसी फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि टाइम के साथ या एक्स के साथ कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होता है। तो डिफरेंशिएशन में आपने देखा होगा कि डिफरेंशियल कोफिशियंट क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज कॉस एक्स, दिस कॉस एक्स इज नथिंग बट डिफरेंशियल कोफिशियंट, राइट। तो डिफरेंशियल कोफिशियंट जो है इसको हम हिंदी में अवकल गुणांक कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कैलकुलस डिफरेंशिएशन में। सो अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशियंट अगर हमें पता है, राइट, दिस एक्स, तो हमें अगर कोई डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट, तो अगर हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट पता है तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट किस फंक्शन का होगा। देखिए, अगर हमने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स सपोज dx, हमने एक फंक्शन है इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं, सपोज दिस इज fx, ओके, ये हमारा fx आ गया, सपोज, तो हमने एक फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला। यहां पे इंपॉर्टेंट आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट किस फंक्शन का क्या होगा, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट किस फंक्शन का होगा, इस रिवर्स चीज को निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन प्रोसेस करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को कहते हैं। सो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। क्यों, फिर से मैं बताता हूं, ये फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा एफ एक्स, जैसा कि हमने कहा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, सो दिस इज डीसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड दिस इज फंक्शन जो गिवन है हमारे पास एफ एक्स, ओके। सो रिवर्स प्रोसेस करते हैं, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो हाथी के सूंड के जैसा होता है ऐसा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यहां पे डीएक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इसको भी डीएक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो किस, ये जो कॉस एक्स है ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है किसका, साइन एक्स का। तो ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जो फंक्शन आएगा यहां पर, जो फंक्शन था एफ एक्स, so this is sin x और इसको हम ब्रैकेट में यहां पे लिख लेते हैं कि ये एफ एक्स, सपोज ये एफ एक्स है। सो मोटा मोटी अगर हम यहां पे देखें कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, सपोज दिस इज एफ एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू, सी हियर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा cos x को हमने एफ एक्स मान लिया, साइन एक्स हमारा एफ एक्स था, राइट, साइन एक्स हमारा एफ एक्स था, सो दिस इज एफ एक्स। सो आप यहां पे देखेंगे कि दिस इज द रिवर्स प्रोसेस, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। पहली बात तो ये,
अगर ये रिवर्स चीज है तो हमें पता है कि अगर कोई ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं, सपोज कोई ग्राफ है हमारे पास, हमने इसको ड्रॉ किया इस तरह, ये हमारा एफ एक्स है मान लेते हैं और ये हमारा एक्स है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन हम इनफाइनाइटेसिमल छोटे से पार्ट के लिए करते हैं, ठीक है, मतलब एक कोई पार्ट ले लेते हैं, इसका जो स्लोप होता है इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, मतलब ये हमारा अगर किसी पॉइंट पे अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये हमारा क्या होगा, स्लोप होगा उस पॉइंट का। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है कि ये जो कर्व, ये जो छोटे छोटे से जो पार्ट आए हैं, इसका जो सम होगा क्या होगा, सम, तो इसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस ग्राफ, कोई कॉन्टिन्यूस ग्राफ है तो उस ग्राफ का जो एरिया होगा, क्योंकि ये सम एरिया कहलाएगा, एरिया देगा, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, किसी भी ग्राफ का अगर हम एरिया निकालते कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, किसी फंक्शन का कॉन्टिन्यूस फंक्शन का अगर हम एरिया निकालते तो वो हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो बेसिकली ये डिफरेंस है दोनों चीज में। डिफरेंशिएशन बताता है रेट, रेट क्या होता है हमारा स्लोप, किसी फंक्शन का रेट, मतलब कोई फंक्शन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, राइट, तो किस रेट से चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए, वो हमारा होता है डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन क्या होता है कि थ्रू आउट द कंटिन्यूस ग्राफ जो भी कर्व होगा हमारा फंक्शन का, वो फंक्शन का कर्व कितना एरिया बनाएगा, मतलब जोर समीशन होगा, सपोज ये हमारा टोटल एरिया हो गया, तो छोटे छोटे हम इसको किसमें अगर हम ऐड कर लेते हैं, किसमें, रेक्टेंगल में, और इसका एरिया निकालेंगे तो ये हमारा टोटल एरिया दे देगा। सो इंटीग्रेशन इज द सम ऑफ ऑल द स्मॉल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस चीज को हम बाद में देखेंगे जब हम इंटीग्रेशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे, तो वहां पे आपको ये चीज पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मोटा मोटी आप ये समझिए यहाँ पे कि दो चीज आ गया, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन, ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस में आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हम कहेंगे कि जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन का एरिया कितना होगा जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस। तो अगर आपको किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशियंट पता है तो आप उस डिफरेंशियल कोफिशियंट का क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, देखिए यहां पे, जैसे हमने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप देखिए दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, और यहां पे एक हम कॉन्स्टेंट क्वांटिटी सी लिखते हैं। क्यों सी लिखते हैं, इस चीज को अभी हम समझेंगे। ये हम मान लेते हैं इसे एक्स टू द पावर एन को, ये कोई फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स, एक्स टू द पावर एन कैपिटल एफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं एक्स का पावर एन प्लस वन, इसे हम मान लेते हैं कि स्मॉल एफ एक्स हो गया, ठीक है, स्मॉल एफ एक्स इज एक्स टू द पावर एन प्लस वन, ये ऊपर में है डिवाइड बाई एन प्लस वन, ये फंक्शन हमने मान लिया। अब देखिए अगर हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एफ एक्स निकालते हैं, ठीक है, मतलब स्मॉल एक्स का, सो डिफरेंशिएशन ध्यान से देखेंगे यहां पे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एक्स टू द पावर एन डिवाइड बाई एन प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, सो ये वन ओवर एन क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है, नंबर कॉन्स्टेंट है, सो एन ये बाहर आ जाएगा, इनटू ये क्या हो जाता है हमारा पावर है, तो एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस वन, सो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स टू द पावर एन। और एक चीज और यहां पे ध्यान में रखिए, हमने यहां पे कॉन्स्टेंट लगाया, सो कॉन्स्टेंट अगर हमने सी लगा दिया तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट यहां पे अगर हम लोग लिखे डी सी ओवर डी एक्स, सो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो कॉन्स्टेंट चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी नंबर हो, इसका क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। सो जो एफ एक्स था एक्स टू द पावर एन, ये हमारा एफ एक्स आ गया,
और ये एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है हमारा इंटीग्रेशन है एक्स टू दी इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है किसका, वो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका, एफ एक्स का, डेट इज एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो जो भी फॉर्मूला आपको आता है, जो भी डिफरेंशियल कैलकुलस में आपके पास फॉर्मूला है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, उल्टा लिखते इसको यहां पे, तो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, एक एक को लिखेंगे अलग से, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस यहां पे कॉन्स्टेंट टर्म सी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा कॉस एक्स आएगा और जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये हमारा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, अगर हम कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास माइनस साइन एक्स आता है, आप डिफरेंशियल कैलकुलेशन में देखे होंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में। सो वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स इज कॉस एक्स प्लस सी, और यहां पे जो माइनस वाला साइन है इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू cos x, that is minus cos x, plus ये constant minus में आ जाएगा, फिर भी हम इसको c1 लिख लेते, कोई दूसरा constant। So ये constant हमेशा integral calculus में आएगा, कौन से में, indefinite में। क्यों indefinite होता है, क्योंकि constant कुछ भी हो सकता है, हम बता नहीं सकते कि constant क्या है। So इसे हम कहेंगे indefinite integration। So आप यहाँ पे क्या करना है अभी आपको, कि जितने भी function है differential coefficient का, उस फंक्शन को लिखना है और इसके रिवर्स प्रोसेस में जाके उस डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फंक्शन वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखना। कुछ मैं लिख देता हूं, जैसे हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इंटीग्रेशन करें sec स्क्वायर x dx तो ये हमारा tan x आ जाएगा प्लस कोई कांस्टेंट c आ जाएगा। फर्दर दूसरा फंक्शन लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। So, further we can write it as integration of cosec square x dx this is equal to minus cot x plus constant c। Further, next formula हमारा हो जाएगा differentiation of sec x, differentiation of sec x dx। जब हम differentiation of sec x dx करते हैं तो इसका आता है हमारा sec x into tan x, sec x into tan x। तो ऑब्वियस सा बात है, अभी हमने देखा कि रिवर्स प्रोसेस कैसे है। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x, सो दिस विथ रिस्पेक्ट टू dx दिस इज इक्वल टू sec x प्लस कांस्टेंट c। तो इसी तरह से जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाले आपके पास फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूलों को लिखिए और उसके रिवर्स प्रोसेस में जाके हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को लिख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन लिखना चाहें, सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x दिस इज cosec x इंटू cot x डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस कॉन्स्टेंट
सी, तो आप यहां पे देखिए, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा, उस फॉर्मूले को पहले लिखिए, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डीसी कीजिए उसका, तो वो फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से किस तरह से रिलेशन में है। इंटीग्रेशन जहां किसी छोटे वाले पार्ट के, सॉरी डिफरेंशिएशन जहां किसी छोटे वाले पार्ट के बारे में बताता है कर्व का, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व, इंटीग्रेशन वहीं पे पूरे के पूरे कॉन्टिन्यूस फंक्शन के ग्राफ के एरिया के बारे में बताता है। इंटीग्रेशन तोड़ने का काम करता है, सॉरी डिफरेंशिएशन तोड़ने का काम करता है, छोटे छोटे पार्ट में करेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारा सम भी होता है, जोड़ भी होता है। ये जो इंटीग्रेशन हम कहते हैं कि सम है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन में होता है। जब हम फंक्शन के लिमिट को फिक्स करेंगे तो वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा। इस चीज को हम लोग बाद में देखेंगे। अगर हमारे पास फंक्शन का लिमिट फिक्स नहीं है, इंटीग्रेशन में अगर लिमिट फिक्स नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक बात तो ये हो गया। दूसरा, जब भी हम इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो वहां पे हर इंटीग्रेशन के बाद क्या डालना होगा, हमें कॉन्स्टेंट सी एड करना होगा। अगर आप कॉन्स्टेंट सी एड नहीं करते हो तो वो हमारा क्वेश्चन, हालांकि इंटीग्रेशन सही निकाला है, फिर भी वो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। सी क्यों ऐड करते हैं, सी इसलिए करते हैं कि किसी भी फंक्शन में अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसलिए हम लोग सी ऐड करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इंटीग्रेशन वाले पार्ट में इतना ही रखते हैं। कल के क्लास में हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, किस किस मेथड से हम एलिमेंट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, उसके बाद धीरे से अपना लेवल बढ़ाएंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन हो, या चाहे वो टीएमएस का क्वेश्चन हो, या चाहे वो आईए मैरून का क्वेश्चन हो। तो मतलब जीरो लेवल से लेके हम लोग हायर लेवल आईआईटी जेई एडवांस के लेवल तक के क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ यानी दिवाकर भगत के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कंटेंट को शेयर करें। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।